मेष, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और फलदायक भी साबित हो सकता है। जीवन में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। इन्हें अपनाने से झिझक न करें, अपनी योग्यता पर शंका ना करें। आप में वो सभी गुण हैं तो आपको सफल होने के लिए चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखें। बड़ों की सलाह को नजरअंदाज ना करें, किंतु अपने निर्णय लेने का प्रयास करें। अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित ना हो। घर में कपूर जलाएं, इससे घर और मन दोनों से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में आपके पास सभी संसाधन आसानी से मिल रहे हैं, केवल अपने आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। केवल वही एक नकारात्मक चीज है जो कि आपके काम को बढ़ने नहीं देती और आपके कौशल को खुलकर बाहर नहीं आने देती। लव, किसी पर हमेशा निर्भर करने से रिश्ते में कभी ना कभी तनाव उत्पन्न होता है। आप में किसी बात की कमी नहीं है, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें। हेल्थ, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यदि किसी रोग से परेशान है तो उससे निजात के लिए तनाव कम करें और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह करें। अपने प्रयास और अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। आज अपने प्रेमी या पार्टनर से संयम भरा व्यवहार रखें। पुराने रिश्तों को सोचकर अपने नए रिश्तों में तनाव न उत्पन्न होने दें। यदि पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखें। आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। वृश्चिक, प्रोफेशन आज का दिन काम का भार अधिक रहेगा, कारण आपका कम में मन कम लगेगा। ऐसा ना करें, नहीं तो कोई गलती हो सकती है जो आपको भारी पड़ेगी। लव, अपने आप पर ध्यान दें, खुले अपना ख्याल रखें, अपनी जरूरतें अपने आप पूरी करने का प्रयास करें। किसी पर इतना ना निर्भर हो कि आपका महत्व कम हो जाए। हेल्थ, आज सर्दी जुकाम आदि से अपने आप को बचा कर रखें। अपने मन से चिंताएं कम करें, स्वास्थ्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। मिथुन, आज किसी की बातों में ना आए, किसी और की बात पर सोच विचार करके ही भरोसा करें, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। अपना काम में फोकस बनाए रखें और अपना काम ईमानदारी से करते रहें। आपको किसी की बात से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थिति का समय के साथ हल मिल जाएगा। जितना उसके लिए परेशान होंगे उतना ही अपने लिए बाधाएं उत्पन्न करेंगे। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में आज अपने काम पर फोकस बनाए रखें। किसी की बातों से बहुत प्रभावित ना हो। यदि किसी की बात या नियत पर शक हो तो अपने अंतर्मन की आवाज अवश्य सुने और उस पर अमल करें। लव, प्रियजनों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, जिसके चलते रिश्तों में कटुता आ सकती है। हेल्थ, किसी भी लक्षण को अनदेखा ना करें, नहीं तो वह भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। डॉक्टर से कुछ ना छुपाए। कर्क, आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन और कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे, इनका भरपूर लाभ उठाएं। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज सफलता मिलने के अच्छे आसार हैं, परंतु स्थिरता आने में थोड़ा समय और लगेगा। यदि कोई प्रोजेक्ट आरंभ कर रहे हैं तो संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। एक समय में एक ही काम करें पूरे फोकस के साथ, जल्द ही सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग है। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में आज स्थिरता की कमी रहेगी। किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए संसाधन आसानी से मिल जाएंगे। लव, रिश्तों में जो स्थिरता आप ढूंढ रहे हैं उसे आपको अपने आप ही बनाने का प्रयास करना है। हेल्थ, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कोई रोग परेशान कर सकता है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करें। सिंह अनुसार आज का दिन अच्छा रहेगा। कमी है तो केवल आपके आत्मविश्वास में। भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खराब ना करें। इतना ज्यादा भविष्य के लिए सोचना और चिंतित रहना यह दर्शाता है कि आपको उस सर्वव्यापी ईश्वर पर भरोसा नहीं कि वह आपका सदा ख्याल रखेगा। व्यर्थ की चिंताओं के कारण मन में तनाव बढ़ेगा और काम से फोकस हटेगा। इस कारण निजी जीवन में भी रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। जो हो गया उससे सीख लेकर आज में जिए। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं में आज इतना ना खो जाए कि आज की जिम्मेदारियों काम को अनदेखा कर दे। लव, सहनशीलता रिश्तों को सुंदर बनाए रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है।
अपनी परेशानियों के कारण अपनी कुंठा अपने परिवार अजनों पर ना निकाले। हेल्थ, तनाव से बचे नहीं तो सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मेडिटेशन और अल्टरनेटिव हीलिंग से लाभ होगा। कन्या, आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आज का दिन शुभ है। परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है, किंतु लापरवाही ना करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। आज दान अवश्य करें, किंतु ऐसे व्यक्ति को जिसे जरूरत हो। आपकी सलाह बहुतों के काम आएगी, इसलिए अपनी बात कहने से झिझक ना करें। प्रोफेशन, बॉस आपके काम से खुश होंगे और आपकी सलाह की प्रशंसा होगी। सहकर्मियों के आज पूरा सहयोग मिलेगा। लव, आपके जीवन में कोई नवयुवक स्वावलंबी बन रहा है और अपने जीवन में जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है, उसे पूरा सहयोग दें। आज परिवार में शांति के लिए कुछ दान अवश्य करें। हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किंतु एक अच्छी दिनचर्या और उचित खान पान का पालन करना भी आवश्यक है, नहीं तो रोग ग्रसित हो सकते हैं। तुला, आपके काम समय से पूरे हो जाएंगे। यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो अच्छी तरह जांच करके ही कोई निर्णय लें। किसी सज्जन से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आज का दिन मन में कुछ चिंताएं बनी हुई हैं, जिस कारण आपके काम में फोकस की कमी है। किसी की बात को दिल पर न लगाएं, अपने आप पर भरोसा रखें। प्रोफेशन, किसी की निंदा से प्रभावित ना हो, आपकी योग्यता और मेहनत में कोई कमी नहीं है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। लव, जब तक रिश्तों में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक उनमें भराई भी नहीं आएगी। रिश्ते में कोई कमी नहीं है, केवल अपनी सोच को बदलें। हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने खाने पीना और व्यायाम के सतह कोई लापरवाही ना करें। वृश्चिक लवर्स कार्ड के अनुसार आज का दिन किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर कोई चुनाव करना पड़ सकता है, जो कि थोड़ा कठिन होगा। यह निर्णय आपके आने वाले समय और स्थितियों को भी प्रभावित करेगा, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही कोई निर्णय लें। यह ध्यान रखें कि आपका निर्णय और आपकी सोच नजदीकी फायदे की बजाय लंबे समय तक के फायदे की होनी चाहिए। प्रोफेशन, आज कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या बॉस से किसी बात पर अनबन हो सकती है। अपना मन खराब ना करें, किसी व्यर्थ की भस में ना पड़े। परिस्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। लव, रिश्तों के लिहाज से दिन फलदायक रहेगा। यदि किसी के लिए मन में भाव है तो उन्हें व्यक्त करें। लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। हेल्थ, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। गर्दन या गले संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, अपना ख्याल रखें। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए निरंतर रूप से प्रयास करते रहें। धनु, अपने आप को परिस्थितियों में स्थिर बनाए रखें। किसी की बातों से इतना प्रभावित ना हो कि आपकी स्थिरता पर असर पड़े। दूसरों के विचारों को सुने पर ग्रहणवाही करें जो आपको उचित लगता हो। मन में आपके बहुत सी इच्छाएं हैं, इन्हें नकारने की बजाय स्वीकार करें, तभी मन में शांति की भावना आएगी, नहीं तो यह द्वंद्व बना रहेगा। प्रोफेशन, आज अनावश्यक कर्मियों से वार्तालाप ना करें, नहीं तो आपकी बात किसी गलत प्रसंग में पेश की जा सकती है। लव, प्रेमी के साथ समय बिताने को मिलेगा। विवाह संबंधी कोई भी निर्णय आज ना लें, बिना बड़ों की सलाह के कोई निर्णय ना लें। हेल्थ, नंगे पैर घास पर चलने से स्वास्थ्य लाभ होगा। अपने मन में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मकर, आज का दिन रचनात्मक ऊर्जा की अधिकता रहेगी। इसे उचित दिशा प्रदान करेंगे तो लाभ होगा। इसके साथ साथ आज यह भी आवश्यक है कि आप प्रयास करने के साथ प्रयास को फलित होने का भी मौका दें। धैर्य और संयम से काम लें। धन लाभ के योग हैं। किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, केवल अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें। प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में आज बॉस से प्रशंसा मिलेगी और सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा। अपना व्यापार या व्यवसाय आरंभ करने के लिए आज का दिन अच्छा है। लव, प्रियजनों के साथ आज अच्छा समय बिताने को मिलेगा। घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। हेल्थ, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें।
कुंभाज किसी बात को लेकर मन में दुविधा रहेगी जिससे निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, किंतु जिस परिस्थिति को आप टालने का प्रयास कर रहे हैं उसका सामना जितनी जल्दी करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा और तनाव भी दूर होगा। नकारात्मक सोच से बचें, किसी एक सपर्क या काउंसलर से मिलें। पुरानी बातों को सोचकर अपने वर्तमान को खराब ना करें। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में किसी निर्णय को लेकर दुविधा में है तो किसी से सलाह अवश्य लें। बहुत ज्यादा देर ना करें निर्णय लेने में, नहीं तो परिस्थिति और बिगड़ सकती है। लव रिश्तों में आज कोई भी फैसला भावुकता में आकर न लें, किसी एक सपर्क से सलाह करें। किंतु किसी रिश्ते के कारण परेशान है तो उससे संबंधित हल निकाल लें। हेल्थ सेहत का ध्यान रखें, चिंताओं के कारण अपनी सेहत पर असर ना होने दें। मेडिटेशन योग और प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। मीन एक सकारात्मक सामाजिक छवि बनाए रखें क्योंकि आप लोगों की निगाह में हैं। आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा जिसके लिए आप रुकने और सोचने के लिए मजबूर होंगे। किसी रिश्ते में तनाव की आंधी उत्पन्न हो सकती है। खुद पर काबू पाए रखने से आप अपनी ऊर्जा और संतोष को बनाए रखने में कामयाब होंगे। इस मोड़ पर एक छुट्टी की योजना बनाना मुश्किल हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। पैसों की बचत अपनी प्राथमिकताओं में रखें।